नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। कृति सेनन आजकल काफी चर्चाओं में है, बैक टू बैक उनके पास कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इन सबके बीच चर्चा हो रही है मिमी की। आपको पता ही होगा 30 जुलाई को फिल्म रिलीज होनी थी, लेकिन फिल्म के मेकर्स ने एक सरप्राइज दिया है फैंस को और इस फिल्म को बीते दिन ही रिलीज कर दिया गया। और इस बात की जानकारी सोमवार को बाकायदा एक इंस्टाग्राम लाइव सेशन में पंकज त्रिपाठी और कृति सेनन ने अपने फैंस को दी थी। पंकज त्रिपाठी का कहना था कि हमने सोचा कि चलिए फिल्म देखते हैं, और फिर हमें लगा कि ये फिल्म तो परिवार के साथ देखी जानी चाहिए, आप सब भी हमारा परिवार है तो चलिए आपके साथ ही हम ये फिल्म देख लेते हैं। बता दें, बीते दिन इस फिल्म को रिलीज किया गया है और अब तक इसको जबरदस्त रिव्यूज मिल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताते चले, कृति सेनन फिल्म में सरोगेट मदर के किरदार में नजर आ रही हैं। फिल्म की कहानी क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आखिर क्यों फिल्म को तय डेट से पहले रिलीज किया गया, इसके पीछे की क्या वजह है ये भी आप जान लीजिए। कुछ साइट्स पर इस फिल्म को ऑनलाइन लीक कर दिया गया है और इसका खामियाजा फिल्म मेकर्स को उठाना पड़ सकता था। यही वजह है कि फिल्म मेकर्स ने सोचा, स्टारकास्ट ने सोचा कि क्यों ना इस फिल्म को तय समय से पहले रिलीज कर दिया जाए। वैसे भी कृति सेनन का बर्थडे था, अच्छा मौका था, तो फिर ऐसे में इस फिल्म को कैश करते हुए फैंस के लिए ये तोहफा दे दिया गया। पंकज त्रिपाठी ने इस पूरे मामले पर कहा कि मिमी हमारे लिए बहुत ही खास फिल्म है, इसलिए हमारी टीम ने सोचा कि आज ये फिल्म देखी जाए। नमस्ते मिमी, हम सबके लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है, सो पूरी टीम ने हम डिसाइड किए कि आज हम लोग सब परिवार ये फिल्म देखते हैं यहाँ पे। फिर ख्याल आया कि आप सब भी तो हमारे परिवार ही हैं, सो आपके बिना ये फिल्म स्पेशल कैसे हो सकती है। सो मिमी इज डिलीवरिंग अर्ली, वो कुछ बच्चे होते हैं जो समय से 4 दिन पहले आ जाए, वही है हमारी मिमी। सो आप भी जाए, सब परिवार देखें, हम भी देखने जा रहे हैं। बता दें, दिनेश बिजान जो कि फिल्म के निर्माता हैं और कृति सेनन जो कि मुख्य किरदार में हैं, उन्होंने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया और साथ ही साथ ये तोहफा भी फैंस को दे दिया। वैसे आपको बता दें, कृति सेनन और पंकज त्रिपाठी के अलावा मनोज पाहवा और सुप्रिया पाठक भी फिल्म में अहम किरदार में हैं। लक्ष्मण उत्रेकर ने इस फिल्म को निर्देशित किया है और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, ये एक ऐसी युवा लड़की की कहानी है मिमी, जिसकी हम बात कर रही हैं। ये बॉलीवुड में बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती है, रणवीर सिंह को अपना फेवरेट स्टार मानती है, ये कह लीजिए कि उसकी दीवानी है, बॉलीवुड में जाने का सपना देखती है, लेकिन फिर इसे ऑफर मिलता है एक सरोगेट माँ बनने का, जिसके एवज में इसको 20 लाख रुपए का ऑफर दिया जाता है और ये ऑफर देता है इसको एक अमेरिकी जोड़ा। लेकिन फिर डॉक्टर्स बताते हैं कि मिमी के पेट में जो बच्चा है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल है, डिसेबल्ड है, जिसके बाद वो अमेरिकी जोड़ा भाग जाता है और फिर यहाँ से शुरू होती है मिमी की प्रॉब्लम्स। अब एक अनमैरिड लड़की कैसे इन सारी चीजों को फेस करती है ये आपको देखना होगा। जबरदस्त फिल्म है और बहुत अच्छी कहानी है, और क्लाइमेक्स आपको नहीं बताएंगे, आप खुद इस फिल्म को देखिएगा और उसके बाद बताइएगा कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। बहरहाल, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है ये भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।